जॉब की लाइन तक कतई सीधी नहीं बनती। पता नहीं दीदी इतने करारे आईलाइनर कैसे लगा लेती है। दीदी ना बहुत ही तेज है, मुझे एक साड़ी तैयारी में 5 मिनट लगते हैं, उतने में दीदी साड़ी के सारे कपड़े निपटा लेती है। मुझसे तो होता ही नहीं है। पता नहीं दीदी मम्मी ये लोग इतनी स्पीड में कैसे काम कर लेते हैं। ऊपर से मैं हर रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हूँ, लेकिन हमेशा की तरह दीदी मुझे मम्मी की डांट से बचा लेती है। बचपन से दीदी झांसी की रानी बनके मुझे प्रोटेक्ट कर दिया ही है। हाँ पर पता नहीं मैं कब दीदी के लिए कुछ टिप टॉप सा कर पाऊंगी। पापा के जाने के बाद पूरा टाइम मम्मी मेहनत करती रहती है, घर चलाने के लिए एक वही तो कमाती है। बचपन से दीदी दीदी कम मम्मी ज्यादा थी। अभी कुछ दिनों में उनकी शादी है, बहुत मजा आएगा शादी में। हाँ पर उनके बाद मैं उनके बिना ये सब मैनेज नहीं कर पाऊंगी। मेरी फ्रेंड नेहा है ना, हमेशा मुझे चिढ़ाती है कि जहाँ दीदी की शादी हो ना वहीं तू भी निबट जा, लेकिन मुझे तो शादी करनी ही नहीं है ना। पापा ने मम्मी के साथ जो किया वही अगर किसी ने मेरे साथ भी किया था? नहीं, मैं तो मम्मी के साथ रहूंगी, मुझे किसी लड़के से कोई मतलब नहीं है। एनीवेज ये चिल्लर पार्टी कहाँ गई? ये लोग ना रोज ऐसे ही करते हैं, मैं रोज इन्हें पढ़ने बुलाती हूँ और रोज ये लोग मुझे बुद्धू बनाकर भाग जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे गिवअप नहीं करने वाली। हाँ ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके तो मैं सीखूंगी, एक दिन मैं टीचर बनूंगी, बड़ा मजा आएगा। चौक कहाँ रख दी मैंने, हाथ में तो रखी थी, कहाँ गई कहाँ गई। मुझे ना बादाम खाने की सख्त जरूरत है। एक मिनट, अब आज बादाम खाना भी रह गया। मम्मी आज ना मम्मी से डांट जरूर खाऊंगी मैं। ओह नो।